नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। शनिवार कोरोना अपडेट की खबर हम आपको सबसे पहले बताएंगे और सकारात्मक खबर ही कोरोना अपडेट के संदर्भ में बता रहे हैं कि दरभंगा से एक भी कोई पॉजिटिव केस कोरोना का नहीं मिला। ये एक अच्छी खबर है। कुल 170 मरीजों का टेस्ट हुआ, जिसमें 165 का रिजल्ट आ चुका है और 167 में 3 मरीज और आज ऐड हुए, तो 170 में 165 का रिजल्ट और सभी निगेटिव, 5 मरीजों का इंतजार। यह अपडेट है दरभंगा जिला से। जो कोरोना के संदिग्ध मरीज थे उनकी जांच रिपोर्ट 20 तारीख तक अगर यह फ्री जोन ग्रीन जोन रहता है तो संभवतः बहुत कुछ रियायतें मिल सकती है। सूनी सड़कों पर जंग कोरोना से, यथासंभव हम आपको शनिवार की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सरफराज आलम, वीरेंद्र कुमार और सत्येंद्र सिंह ने यथासंभव जो तस्वीर थी शनिवार की, दृश्य था सड़क का, सूनी सड़कों का, कोरोना से जंग का, योद्धा बनकर घर में रहने का, उसे आप तक पहुंचाया है। यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन का 90% से अधिक लोग पालन करते हुए, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गिरजाघर बंद, बंद है गुरुद्वारे, जहां सभी जगह लटके हुए ताले, शटर तक गिरे हुए। ऐसी परिस्थिति में 2-3 जगहों से शिकायत आ रही थी, जो CSP सेंटर है बैंक का वहां से, राशन की दुकान है वहां से और सबसे ज़्यादा सब्जी बाजार से। सब्जी बाजार में NCC कैडेट ने एक तरह से अपने अंदर में लेकर के उसे सिस्टेमेटिक बनाया, लोगों को जागरूक किया कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और उसी के तहत लगातार कार्रवाई हो रही है। कुछ उत्तेजित भी हुए सब्जी विक्रेता, लेकिन अंततः नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई और ये अपडेट है कि सब कुछ ठीक ठाक है। दरभंगा का जो कोरोना का इलाज है वो पटरी पर है, बेपटरी नहीं हुआ है। और इस संदर्भ में अब हर घर आंगनवाड़ी सेविका और आशा, जो ये सहायिका सेविका है, ये डोर टू डोर जाकर पता लगा रहे हैं कि कौन से मरीज हैं खांसी सर्दी या फिर बुखार के, उन्होंने कहां से दवा ली है। अगर थोड़ा सा भी शक होता है सामान्य खांसी सर्दी में भी तो उसकी जांच की जानी है। जो कोरोना संक्रमित जगह से, जिले से या फिर विदेश से आए हैं, उनका रिपोर्ट हिस्ट्री लिया जा रहा है। तो इस तरह से बिहार सरकार ने पल्स पोलियो के तरह एक एक घर को छानने का फैसला किया है कि कहीं से कोई चूक न रह जाए। जिस तरह से पोलियो का चक्र को बांधा गया था, कोरोना को भी बांधने की पूरी तैयारी, केंद्र सरकार का अपना प्लान, बिहार सरकार का अपना प्लान, दोनों मिलकर पटरी पर बिल्कुल सुरक्षित ढंग से गाड़ी को आगे बढ़ाने की तैयारी में। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन जो देश की रफ्तार है, विश्व की रफ्तार है, उस लिहाज से बिहार ने बहुत हद तक बैलेंस किया है। फिलहाल भूख से लोग जहां कहीं कहीं परेशानी है, वहां की स्थिति हम आपको बता देते हैं कि जहां सरकार ने राशन दुकानदारों को भरपूर राशन देकर, 1 महीना का मुफ्त राशन देकर, 2 महीना का राशन, अप्रैल का एक नियमित राशन और मुफ्त राशन बंटवाना शुरू कर दिया है, वहीं भूखे लोगों के लिए खाना खिलाने के भी सरकार ने 6 जगह व्यवस्था की है। कई स्वयंसेवी संस्था, व्यक्तिगत लोग यथासंभव मदद करने में जुट गए हैं। राजनीतिक पार्टियां भी मैदान में हैं। हालांकि यह वितरण सिस्टेमेटिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिसे जहां हो पा रहा है और कोरोना प्रकरण में स्वयं को सुरक्षित रखते हुए, दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, यथासंभव राहत वितरण भी किया जा रहा है। तो यह अपडेट है शनिवार का, कोरोना अपडेट दरभंगा का। जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 तारीख के बाद की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 के बाद 3 जगहों में बांटकर ग्रीन जोन, जहां जिस जिला में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला, येलो जोन जहां कंट्रोल में है, और रेड जोन जहां खतरा भयावह है, सिवान रेड जोन के आसपास है। तो यही परिस्थिति अपडेट। BTN न्यूज बार बार आपसे अपील करता है कि आप इस कोरोना के जंग में योद्धा बने, आप कोरोना कर्मवीर बने, यथासंभव घर में रहकर मदद करें और इसके भागी बने, सहभागी बने, तभी हम जीत सकते हैं इस लड़ाई को। पुलिस
लगातार जमीन से लेकर आसमान तक, सड़क से लेकर ऊपर ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रही है और हर जगह उसकी नजर है। स्वास्थ्य कर्मी जी जान से जुटे हुए हैं, सफाई कर्मी पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, मीडिया कर्मी हर तस्वीर लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं, आवश्यक सेवा देने वाले चाहे वह बैंक कर्मी हो, चाहे वह सामान विक्रेता हो, चाहे वह गाड़ी चलाने वाले हो, भोजन पहुंचाने वाले हो, इन सबों का योगदान जो संपूर्ण भारत का निर्माण करता है, उसमें दरभंगा अग्रणी। बीटीएन न्यूज बार बार आपसे अपील करता है, घर में रहें, घर में रहें, इस भयावह बीमारी को समझें। कोरोना ने दस्तक दिया है, आपके यहाँ आया नहीं है और आने न दें। ये तभी संभव है जब हम सब मिलकर इससे लड़ें। राशन वितरण शुरू हुआ कोरोना प्रकरण के बाद। अप्रैल माह का नियमित राशन और एक माह का प्रति यूनिट 5 किलो चावल वितरण शुरू होने के बाद वार्ड नंबर 17 में 2 डीलरों पर मनमाना करने का आरोप लगाकर लोगों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर से लेकर मीडिया तक को फोन कर अपने आक्रोश का इजहार किया, कई तरह के आरोप लगाए। दो किलो 3 किलो कम दे रहा है, 24 किलो लेते हैं, 21 किलो पूरा रहा है। हर एक महीना का यही नियम किया हुआ, बार बार बोलते हैं क्या करता, कहीं से भर देता पूरा राशन आने के लिए। तो जय किशोर सरकार है, अनुमति है, वो है हमको राशन दे रहा है 3 साल से, हमको राशन नहीं मिल रहा है। हर महीना में घटी दे रहा है, अभी भी 1 किलो कम घटी है। के घटी दे रहा है, हर महीना में घटी गई है। मामला ये है, हम लोग को सरकार जो राशन दिया ना तो उसमें कम देता है। केबू साहब आप देता है तो उसको ले जाता है, उसको ठोटी पकड़ के भगाता है। कई तरह का आरोप, कम वजन मिलने का आरोप। अंततः अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना वहां पहुंचे और उन्होंने डीलर से बात की। अनाज तो आपने आज से बांटना शुरू किया है, कल भी बांटे हैं अनाज? नहीं, कल आज से बांटना शुरू किया है। और हम लोग पूछने आते हैं सर, ये इतने बदतमीजी से बात करते हैं, लेडीज महिला लोग से बदतमीजी से। सर के सामने मंगा कर टोला गया तो अनाज तो पूरा निकला, उसके बाद कुछ आदमी दुश्मनी भी होगा व्यक्तिगत, नेतागिरी भी होता है हर हर मोहल्ला में सर। मोहल्ला में जाने के बाद ऐसा हो सकता है ना भाई? है सर, है सर। तो क्या लग रहा है कि आप अनाज कम नहीं दे रहा है? नहीं, अनाज भी सर मंगा के चलाए भी है, अनाज तो पूरा निकला। आरोप निराधार है यह कहना है डीलर का, लेकिन दूसरी ओर दर्जनों लोग जमकर, हालांकि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे थे ये लोग, कुछ हद तक पालन करते रहे, लेकिन कैमरा के सामने जो देख रहे हैं यहाँ सोशल डिस्टेंस की भी धज्जियाँ उड़ रही थी। अंततः अंचलाधिकारी ने मना किया, कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है, अनाज उठाव करना है लेकिन एक सिस्टम नियम के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन कर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार, हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ, आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक के सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। Thank you.
सब्जी बाजार, बासी सब्जी खरीदने को मजबूर होना पड़ा लोगों को, क्योंकि जो होलसेलर सब्जी व्यापारी हैं, दो दिनों से उन्होंने माल मंगाना बंद कर दिया था, कई आरोप था। हालांकि लहरियासराय में सब्जी बाजार गुलजार रहा और सोशल डिस्टेंस की यहां धज्जियां उड़ती रही। अब देख रहे हैं कि सब्जी बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं, लेकिन बेतरतीब ढंग से। हालांकि यह सब्जी बाजार रोड पर बेचना मना था, नेहरू स्टेडियम और दरभंगा राज में शिफ्ट किया गया है, लेकिन पुनः सजने लगा सब्जी बाजार। ऐसी परिस्थिति में अस्थायी सब्जी बाजार बजाने लगाने का क्या फायदा होगा? बहरहाल वहां ग्राहक कम गए और जब यह बाजार सजने लगी तो वहां के स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि यह दोहरी नीति है। प्रशासन पूरा सब्जी बाजार जब नेहरू स्टेडियम में लाया तो ऐसी परिस्थिति में सब्जी बाजार क्यों वहां अधूरा है? ऐसे में गुदरी का सब्जी बाजार के वहां की बिक्री हो जाती है और हम लोगों का कच्चा माल यहां पड़ा रह जाता है। इस संदर्भ में पुलिस से शिकायत की गई है। इधर दरभंगा राज मैदान में लगे सब्जी बाजार में भी विक्रेताओं ने कहा कि उन्हें थोड़ी ढील दी जाए। इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि समय जो 7 बजे 8 बजे है उसे 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा और ऐसा कर भी दिया गया। सब्जी लाने और सब्जी ले जाने का रूट निर्धारित कर दिया गया है। जिस सब्जी विक्रेता का घर कहीं है वहां से वह किस रूट से कितने बजे चलेगा और फिर वापस जाएगा, कौन सी गाड़ी पर जाएगा, मोबाइल नंबर उसका क्या है, यह विस्तृत विवरण देकर लगभग 300 लोगों का पास बना दिया गया। लेकिन यह पास उसी जगह उसी रूट के लिए मान्य होगा जहां वह सब्जी खरीदने सब्जी बिक्री करने घर से चलेगा और अपने बिक्री स्थान तक जाएगा और फिर उसी रूट से वापस जाएगा। उदाहरण स्वरूप तारालाही का व्यापारी अगर दरभंगा राज मैदान आता है और उर्दू रोड से आता है तो उर्दू रोड से ही उसे वापस जाना होगा। अगर उसकी गाड़ी शिवधारा पर धरी जाएगी तो वह अनाधिकृत होगा। दूसरी बात, सारे गाड़ी के सारे नियम का पालन किया जाएगा। एक मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति बैठेंगे और जो व्यावसायिक वाहन है उसी से वह सब्जी ले जा सकेगा। अन्य प्रखंडों में सब्जी बिक्री के संदर्भ में बात आई कि व्यावसायिक वाहन से वह बेनीपुर, सुपौल, बिरौल इत्यादि कहीं भेज सकते हैं, लेकिन उक्त पास का रूट निर्धारित होगा और दिन और समय निर्धारित होगा। इस संदर्भ में नगर आयुक्त ने सभी दुकानदारों से सूची लेकर कि उनका घर कहाँ है और किस समय आएंगे और जाएंगे, उस रूट पर उनका पास मान्य होगा, पास निर्गत कर दिया। बहरहाल सब्जी बाजार को नियमित करने में प्रशासन लगातार लगा हुआ है। सब्जी लोगों की जरूरत आवश्यकता, किसानों के खेत में भी सब्जियां हैं, उसमें भी देरी नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में लगातार प्रशासन सक्रिय है और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अब देखना है कि 2 दिनों के स्ट्राइक के बाद सब्जी बाजार की स्थिति क्या होती है। दरभंगा नगर निगम ने सैनिटाइजर गेट लहरियासराय समाहरणालय के पास भी बनाया। सबसे पहले नगर निगम कार्यालय, फिर सब्जी बाजार और समाहरणालय के पास कोविड-19 से लड़ने के लिए सैनिटाइजर कक्ष बनाया। महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने विधिवत इसका उद्घाटन किया। आने जाने वाले लोग सैनिटाइज होकर आ जा सकेंगे। इधर महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने लॉकडाउन के कारण घर में रह रहे नागरिकों की असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से अपना एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसका नंबर 9199144336। फिर से सुन ले, 9199144336 है। इस नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नगर निगम के दरभंगा के 1 से लेकर 48 नंबर वार्ड के नागरिक निगम से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में रह रहे हैं, इसलिए नगर निगम कोई आवश्यक कार्य आ जाए तो निसंकोच इस नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। महापौर ने कहा कि हम कोरोना महामारी पर निश्चित विजय पाएंगे, हम जीतेंगे। हालांकि इस संदर्भ में उनके विरोधियों ने कहा है कि यह लॉकडाउन में हेल्पलाइन नंबर तब आया है जब 24-25 दिन बीत गया। ऐसे में महापौर बैजंती देवी खेड़िया 25 दिनों में 4 से 5 सैनिटाइजर गेट ही बना पाए, बाकी काम तो पूरा सिस्टम कर रहा था। अब अंतिम समय में हेल्पलाइन नंबर देने का क्या फ़ायदा? बहरहाल जहां तक सुविधा मिले हेल्पलाइन नंबर जारी कर उन्होंने लोगों से शिकायत और सुझाव को निमंत्रण दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच नगर विधायक संजय सरावगी शनिवार को भी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर सरकारी योजनाओं का लाभ ले जाने के लिए अपने क्षेत्र में रहे।
सीसो पश्चिम के भोजूटोला में नौजवानों के साथ संजय सरावगी ने कोरोना जैसे भीषण आपदा काल में आम आवाम के दुख दर्द को कम करने के लिए बैठक की। उन्होंने बताया कि सुबह से शाम तक इलाके में भ्रमण करते हैं, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है या नहीं उसकी समीक्षा करते हैं, गांव एवं टोले में नौजवानों के साथ बैठक कर राशन कार्ड वाले को 1000 रुपया में खाता पहुंच रहा है या नहीं वह उसकी भी जानकारी लेते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को इसकी जानकारी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था रहने एवं आधार लिंक करने आदि मोबाइल पर अपलोड कर समझा भी रहे हैं कि किस लाभार्थी का बैंक खाता में किस तरह की समस्या रहने पर पोस्ट ऑफिस द्वारा खाता खुलवाने के लिए जागरूक करा रहे हैं। मौके पर स्थानीय सरपंच इत्यादि भी, वार्ड पार्षद एवं मुखिया इत्यादि भी मौजूद रहते हैं। राशन कार्ड के संदर्भ में नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि उनकी कोशिश पर बिहार सरकार ने 4000 राशन कार्ड निर्गत किया है, लेकिन जो सूत्र से पता चला है कि इसमें लगभग 2000 डुप्लीकेट बन गया है, तो उसको छांट कर अंततः जो सही राशन कार्ड है तुरंत वितरण कराकर लाभुकों को अनाज मिले, ऐसी मांग उन्होंने जिलाधिकारी से की। अभी सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल फ्री मिल रहा है, वो उसका जरा हम घूम के देख रहे हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। उसके अलावा प्रत्येक राशन कार्ड धारी को 1000 रुपया जो है उसके खाते में आ रहा है। बहुत लोगों को खाते में नहीं आ रहा है, उसमें बहुत लोगों का रजिस्टर्ड नंबर जो है मोबाइल का वेरीफाइड नहीं है, बहुत का आधार से लिंक नहीं, लेकिन ये सब ऑनलाइन व्यवस्था है जो आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है। तो हम लोग बैठ के जो नौजवान है जिनके पास स्मार्टफोन है उनको बता दे रहे हैं, तो जब वो उनको जानकारी हो जाएगी तो पूरे टोले मोहल्ले का जो है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर देंगे। उसके बाद एक लिंक है जिसमें राशन कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद वेरीफाइड करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर डालना है, उसका OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाइड कर देना है, उसको पैसा खाते में आ जाएगा जिनको नहीं आया। बहरहाल नगर विधायक संजय सरावगी और पंचायत में जहां राशन कार्ड और अनाज वितरण की समीक्षा कर रहे हैं, इधर हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी द्वारा उन पर लगाए गए बिसात पर पहले पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने बाजी मारी, आरोप गढ़ा और उसके बाद बहादुरपुर के विधायक भोला यादव भी इसमें कूद गए हैं। दर्जन भर सवाल की झड़ी लगा दी है उन्होंने नगर विधायक संजय सरावगी पर। उन्होंने कहा एसएफसी के अनाज सिद्ध बोरा एवं एसएफसी के बोरा में अनाज का वितरण करना संदेह पैदा करता है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तत्काल सरकार जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था, छापामारी करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने नगर विधायक द्वारा अनाज वितरण अपने नाम से करने का गंदा खेल बताया। सरकार अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, इसे उन्होंने अत्यंत आपत्तिजनक बताया। उन्होंने संजय सरावगी के ऊपर कई प्रश्न उठाए, कहा किस हैसियत से नगर के डीलरों के साथ बैठक की, बैठक का उद्देश्य क्या था, एसएफसी अनाज का पैक बोरा किस प्रकार अपने पास लाए, कहां से खरीदे, खाली एसएफसी का बोरा कहां से, उसका रसीद कहां है, कई प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा जिला प्रशासन चुप्पी साधे हुए है जो यह सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य विषय क्या था, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तत्काल छापेमारी क्यों नहीं की, एसएफसी का सिलबोरा किसी सरकारी गोदाम में ही रहता है तो विधायक के पास कैसे पहुंच गया, सरकार के द्वारा विधायक से पूछताछ क्यों नहीं की गई, एनडीए सरकार में भाजपा के विधायक को क्या मुख्यमंत्री गरीबों के वितरण हेतु सरकारी अनाज को लुटवाने का आदेश दिए हैं, ऐसे कई सवाल उन्होंने खड़ा किए। इस संदर्भ में पूछने पर नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि माननीय विधायक जी भोला यादव जिस पार्टी में हैं वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चारा घोटाले में जेल में बंद हैं और कई विधायक पर संगीन आरोप है, नाबालिग से रेप तक का प्रमाणित आरोप है, और ऐसे विधायक को जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जानवरों का चारा चोरी करने के आरोप में सजा काट रहे हो उनको ये सब शोभा नहीं देता। जलन इसलिए है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहा हूं और वे हवाबाजी कर रहे हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनको कोई अता पता नहीं है कि गरीब कैसे जी रहा है, वहां भी एनडीए की सरकार ही यथासंभव काम कर रही है, ऐसी परिस्थिति में वो आरोप लगाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं।
बहरहाल अमरनाथ गामी के आरोप के बाद अभी तक जांच नहीं हुई है, यह सवाल खड़ा करता है। उसके बाद पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया का भी आरोप और तीसरी बाजी भोला यादव विधायक बहादुरपुर का। अब देखना है कि नगर विधायक संजय सरावगी पर ये जो दो विधायक और पूर्व महापौर उनके जो प्रतिद्वंदी जिनसे उन्होंने चुनाव लड़ा था, आरोप का किस तरह जवाब दे पाते हैं और यह बोरा प्रकरण धीरे धीरे धूमिल हो जाता है या फिर सुर्खियों में छाया रहता है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार आवास पढ़ा रहे युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। लगातार लोग अपने अपने स्तर से राहत का काम देख रहे हैं। बेरोलिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने 1,01,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष में जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। उनके ट्रस्टी बबलू बेरोलिया ने यह चेक जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपा शुक्रवार को। दूसरी ओर एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने भी अपने एक महीने की पेंशन की राशि 36,000 रुपये जिला पदाधिकारी के कार्यालय में सौंपकर यह बताया है कि कोरोना से इस लड़ाई में सब लोग एक साथ हैं और सभी लोगों का योगदान। पूरे वैश्विक स्तर पर जो कोरोना की स्थिति है, ये महामारी का रूप ले चुका है। सरकार अपने तरफ से, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कर ही रही है सहायता और लोगों से अपील भी कर रही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, चेन को तोड़ें, फिर भी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इधर देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी डीएम से, एसएसपी से स्थिति की जानकारी ली और इस संदर्भ में उनसे जो वो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी समीक्षा की और नए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तर्ज पर सभी व्यक्तियों को घर घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 1,000 रुपया सभी राशन कार्डधारियों को प्राप्त हो जाएगा। सभी जिला अनुमंडल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा सामान्य करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। खाद्यान्न की कम मात्रा देने वाले डीलरों को तुरंत हटाकर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की करने का आदेश दिया। कहा कि राशन कार्ड के पेंडिंग एवं रिजेक्टेड आवेदनों की पुनर्समीक्षा कर पात्र लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत की जाए ताकि संकट की घड़ी में उसे सरकार से सहायता प्राप्त हो सके। किसानों की समस्या को उच्च प्राथमिकता देकर निराकरण करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया। गेहूं की अधिप्राप्ति तुरंत प्रारंभ हो ताकि किसानों को फसल की अच्छी कीमत प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद मनरेगा योजना, नल जल योजना, गली नाली पक्कीकरण योजना, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क आदि का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण योजना एवं स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के लाभुकों को नगद राशि प्रदान करने का भी आदेश मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पदाधिकारी को दिया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु देश भर लॉकडाउन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जहां है वहीं रहे, अगर उन्हें कोई तकलीफ हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे। लाखों लोगों को सहायता पहुंचाई गई है, उन्हें भी पहुंचाई जाएगी। समीक्षा में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु
स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार सारे कार्य किए जा रहे हैं। मार्च माह में विदेश यात्रा कर वापस लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है और जो बचे हुए हैं उसे खोजा जा रहा है, यह जानकारी दी गई। कोरोना के लक्षण वाले कुल 195 व्यक्तियों की जांच के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। इसमें से सभी व्यक्तियों का जांच रिपोर्ट निगेटिव आया है। निर्देशानुसार उन्होंने पल्स पोलियो अभियान के तर्ज पर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग करने का की सूचना दी। उन्होंने कहा कि 16,000 से अधिक घरों में 1,00,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर ली गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पतालों को पूर्ण क्रियाशील कर देने का उन्होंने जानकारी दी। जिला में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध के बारे में उन्होंने बताया। लॉकडाउन अवधि में राज्य के बाहर से आए अप्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों को उनके गांव वार्ड के स्कूल में क्वारंटाइन कराया गया। 14 दिनों तक मेडिकल सर्विलेंस पर रखा गया। जिन लोगों का 14 दिन पूरा हो गया उन्हें अपने घर भेज देने की जानकारी जिला पदाधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि शनिवार तक 121 क्वारंटाइन सेंटर क्रियाशील है, जिसमें 942 अप्रवासी लोग आवासित हैं। इन लोगों को भोजन, आवासन एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिले में कुल 13 आपदा राहत केंद्र भी चलाया जा रहा है, जहां बेसहारा लोगों को आश्रय एवं भोजन पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह का नियमित खाद्यान्न के साथ 1 माह का अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण किया जा रहा है। खाद्यान्न वितरण कार्य का सघन अनुश्रवण करने की जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अब तक 12 पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द कर उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बैंकों में ग्राहकों की भीड़ को नियंत्रित करने हेतु टोकन सिस्टम लागू करने की जानकारी जिला पदाधिकारी ने मुख्यमंत्री को दी। आधार लिंक मोबाइल एटीएम सेवा प्रारंभ की भी जानकारी उन्होंने दी। 85% हार्वेस्टिंग का कार्य पूरा होने की जानकारी तथा 15% कार्य शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन जिलाधिकारी ने दिया। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल के बाद मनरेगा, जल जीवन हरियाली, फ्लड प्रोटेक्शन इत्यादि का काम शुरू होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बरबरे, पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीना, सहायक समाहर्ता विनोद दुहन, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा इत्यादि मौजूद रहे। जगह जगह सफाई कर्मियों का सम्मान, स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान, पुलिस कर्मियों का सम्मान। जेठियाही वार्ड नंबर 20 में सफाई कर्मियों का सम्मान किया क्रांति कुमार ने। पाक, चादर, फूलमाला इत्यादि देकर उन्हें सम्मान कि इस विषम परिस्थिति में भी आप लगातार सेवा कर शहर को स्वस्थ रखे हुए हैं। उसी तरह अन्हरिया बाग में भी सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया स्थानीय लोगों द्वारा। जितने भी सफाई कर्मी है, 14 सफाई कर्मी है, जिम्मेदार है, सभी लोग को जो है सो हम लोग जो है सो कोरोना वायरस महामारी के देखते हुए वो लोग जो है सो अपनी जान की बाजी लगा कर करके हम लोग को स्वच्छता प्रदान करते हैं, साफ सफाई देते हैं। ये वो एक सिपाही की तरह लड़ते हैं, जिस तरह देश पर सरहद पर सिपाही लड़ते हैं, इस तरह ये सफाई मजदूर हमारे कोरोना महामारी को अपने वार्ड से लेकर के शहर से लेकर के जिला तक सारा जगह लोग सफाई करते हैं। कोरोना की राह में लगातार भूख उसका सहयोगी बना रहा और इन भूख को मिटाने के लिए यथा संभव लोग कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ, 26, 27, 28 तारीख से राहत वितरण शुरू हुआ और धीरे धीरे व्यक्तिगत स्वयंसेवी संस्था, राजनीतिक पार्टी के लोग जिला प्रशासन के साथ लगातार बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया मंजिले की ओर। कोरोना से जंग में लगातार सहभागिता की संख्या बढ़ती गई। ये एक ऐसी राहत जहां सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, योगदान भी देना है, मुंह बांध कर भी रहना है और जिनको हम दे रहे हैं कोशिश रहती है कि उनकी पहचान न हो, लेकिन फिर भी इनकी मदद में उठ रहे हैं एक नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों हाथ। और ये अगर हाथ उठते चले तो इसी से हमारी मजबूत तस्वीर बनती है जिसके आगे कोरोना का हारना तय है।
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी